यस, कोई भी यूनियन टेरिटरी है, कोई भी स्टेट है। हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि स्टेट अपनी मनमर्जी ना करे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, फॉलो करना है। सो एवरीवेयर द टैक्स रेट इज सेम। सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। आई विल टेक योर क्वेरी लेटर ऑन हिमांशु। लेट्स सी टू द नेक्स्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? बिजनेसमैन के लिए। हाउ इट बिकम्स इजी फॉर देम टू रन द बिजनेस विद जीएसटी? जीएसटी तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अलग अलग टैक्स नहीं पे करने पड़ते, बिल्कुल ठीक है। दे आर कमिंग अंडर अ सिंगल परव्यू ऑफ योर टैक्स। टैक्स सिस्टम उनके लिए अब एक ही तरह का हो गया है, और सारे बिजनेस हाउसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एरिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर स्लैब्स दे हैव टू फॉलो, दैट इज बीइंग मेंशन इन आवर जीएसटी लॉ। एक जीएसटी एक्ट में वो सारे स्लैब्स और गुड्स की कैटेगराइजेशन हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे बिजनेस हाउसेस को वो टैक्स क्या करने हैं, पे करने हैं। तो जो मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम था वो अबॉलिश हो गया है, उसकी जगह हमारे देश में अब वन टैक्स वन नेशन वाला रूल अप्लाई होता है। अवॉइडिंग ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स, व्हाट इट मींस अवॉइडिंग ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स? एक ही चीज के ऊपर दो बार टैक्स लगना, क्या जीएसटी में ऐसा नहीं है? हाँ, अगर इनपुट पे टैक्स लग गया है तो आउटपुट पे जब टैक्स लगेगा फिर इसकी सेटिंग ऑफ होगी, ठीक है। इनपुट वाला टैक्स आउटपुट में से माइनस करके बाकी जो बचेगा वो गवर्नमेंट को जमा करवाया जाएगा। तो एक ही चीज के ऊपर बार बार टैक्स नहीं लगता, चीज महंगी होने की बजाय सस्ती हो गई है, ठीक है, वो भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कलेक्टिंग वेरियस टैक्सेस, ठीक है। पहले सात आठ टैक्स हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, देन वैट, सेल्स टैक्स एटसेट्रा, तो वो क्या है, सारे अबॉलिश हो गए हैं। हमारे देश में सिर्फ एक ही टैक्स है, इस एक टैक्स को छोड़ के बाकी इनकम टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, ठीक है ना। ये तो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे है ना, बाद में जब आपको प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स है। मेरी सैलरी के ऊपर मेरे को इनकम टैक्स देना है, जो हमारे बैंक में सेविंग्स पड़ी है उसके ऊपर टीडीएस कटता है, तो कुछ इस तरह से। टीडीएस इज अदरवाइज अ पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स, राइट। वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, घरों में कभी सुना होगा, आपके पेरेंट्स बात करते होंगे प्रॉपर्टी टैक्स की ड्यू डेट आ गई है, वी आर सपोज टू पे टैक्स, राइट। सो कुछ तीन चार टैक्स और मेन रह गए हैं, लेकिन बिजनेसमैन के लिए हमारा कौन सा मेन टैक्स है, दैट इज व्हाट, जीएसटी। तो जीएसटी से मेजर रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट को मिल रही है, तो रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसीज का भी बर्डन क्या हो गया है, कम हो गया है। देन प्रोवाइडिंग अनबायस्ड टैक्स स्ट्रक्चर, व्हाट इट मींस प्रोवाइडिंग अनबायस्ड, चलो जपिश, बिल्कुल ठीक है, सबके लिए टैक्स रेट सेम। देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन की दिस बिजनेस मैन इज बिलोंगिंग टू अपर क्लास एंड हिज बिजनेस स्कोप इज वेरी वेरी लार्ज एंड हाई, सो वी विल बी चार्जिंग हाई रेट ऑफ टैक्स, और जो बिजनेस स्मॉल स्केल पे है लाइक सोल प्रोप्राइटर का है उससे हम कम टैक्स चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल बी चार्जिंग द सेम रेट ऑफ टैक्स, राइट। बेटर टैक्स मैनेजमेंट, व्हाट आई एक्सप्लेन यस्टरडे इन इट, बेटर टैक्स मैनेजमेंट, अब टैक्स की अवेशन नहीं होगी, nobody will try to evade the tax because there is total transparency। government ka jo tax ka portal hai, jo software government ne develop kiya hai, uske according hi aapne billing karni hai। jaise aap bill karoge automatically gst mein cgst aur scst add ho jayega, government ki revenue usi time compute ho jayegi, and after some time you are supposed to deposit it, theek hai। to aap apni taraf se koi manmani aur manipulation nahi kar sakte ho, as and when you are giving the bill, if you are skipping the bill and you are not giving the bill to your customer, then manipulation is still possible, राइट। तो बेटर है कि बिल दिया जाए, और कौन सा आप अपनी पॉकेट में से टैक्स ले रहे हो, यू आर कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर एंड यू आर सपोज टू पे इट टू द गवर्नमेंट। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स इज नॉट देयर, एक चीज के ऊपर बार बार टैक्स नहीं लगता, फाइनल डेस्टिनेशन को माइंड में रखते हुए लगता है, सो इन दैट वे द थिंग विल नॉट गेट कॉस्टली, रादर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो जाती है, रिड्यूस। हाउ इंप्रूवमेंट इन जीडीपी, हाउ इंप्रूवमेंट इन जीडीपी, ओके, ओनली सेल कॉन्टेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स आर लेस देन सेल विल बी हाई एंड प्रॉफिट विल इन्फ्लेट, ठीक है, और जीएसटी के कारण ज्यादा टैक्स नहीं देने पड़ रहे तो स्टैंडर्डाइज गुड्स बनेंगी, जब स्टैंडर्डाइज गुड्स बनेंगी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा, कोई भी इंफीरियर क्वालिटी सामान नहीं खरीदेगा, लाइक दैट वे यू कैन रैप द थिंग्स, ठीक है। तो इसमें आप अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी को बेस बना के यू कैन पुट द एक्सप्लेनेशन इन दिस पॉइंट। उसने जो लिखा है आई एम रीडिंग,
इंप्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ओरिजिनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस? इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस. इन ऑर्डर टू बीट द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एवरी प्रोड्यूसर इज पुटिंग हिज बेस्ट. मतलब कॉम्पिटिशन को बीट आप तभी कर सकते हो अगर आपका सामान आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा बना. एक तो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है, एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने से सामान ओरिजिनल बन रहा है, बिना किसी मिलावट के बन रहा है. गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ रहा है ड्यू टू रिकॉर्डेड सेल्स, क्योंकि लोगों ने अब अपनी हर सेल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है. सारी सेल वो बिल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो गवर्नमेंट का ऑटोमेटिकली रेवेन्यू क्या होता है, जनरेट होता है. जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू हमारी कंट्री में बढ़ रही है तो डेफिनेटली जो वो रेवेन्यू बढ़ रही है गवर्नमेंट किस चीज के लिए लगाएगी? हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. इन दैट वे जीडीपी विल डेफिनेटली इम्प्रूव. अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. हाउ कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट? बिकॉज देयर इज स्मूदनिंग ऑफ द टैक्स सिस्टम. देयर इज नो मल्टीपल टैक्सेशन नाउ इन आवर कंट्री. वी जस्ट इन्वाइट द foreign manufacturers to come to our nation and they may produce the things in our nation. In that way they are coming and they are bringing foreign exchange. They will be making the payment to our Indian government in foreign exchange. Dollars or pounds mein karenge na. International jo bhi dealings hoti hai, ek single parameter hai or that is what dollar. Foreign exchange ka jo bhi system rehta hai, kisi bhi foreign country se aapko agar payment aati hai to wo dollars mein aati hai. Dollars we get converted into rupees. So this is our attracting foreign investment. Now, मेरे को लगता है कल भी मैंने ये डिस्कस कर लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर को क्या बोलते हैं? सीजीएसटी. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के शेयर को क्या बोलते हैं? एसजीएसटी. और उसके बाद मैंने पहले दिन ही डिस्कस किया था आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इट विल बी कंप्राइजिंग बोथ द टैक्सेस एंड दिस विल बी एप्लीकेबल व्हेन देयर विल बी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन. मीन्स एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में ट्रांजेक्शन होंगी, मतलब बाइंग एंड सेलिंग दूसरी स्टेट के साथ होगी, तो उस केस में हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को इकट्ठा नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे. रादर वी विल बी कंबाइनिंग देम, दैट विल बिकम आईजीएसटी. यहाँ पे आई का मतलब इंटरस्टेट नहीं है और एब्रीवेशन में आई का मतलब इंटेग्रेटेड है. इंटेग्रेटेड मीन्स कंबाइंड. जब इंट्रास्टेट है, लाइक जलंधर में ही सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी अलग लगेगा, एसजीएसटी अलग लगेगा. लेकिन जलंधर इज अ पार्ट ऑफ पंजाब, पंजाब से हरियाणा में सामान जा रहा है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है. ही विल बी गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ द सिटी एज वेल एज स्टेट इन द क्वेश्चन. अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि आपने जर्नल एंट्री में सेपरेट करना है कि आईजीएसटी करना है. सो दीज थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप योर माइंड फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. राइट, तीनों चीजों के बारे में कोई डाउट तो नहीं है? So this is going to happen or going to apply in case of intrastate transaction. Intrastate means within the state. Intrastate में आपने CGST और SGST को अलग अलग कर देना है, interstate में आपने दोनों को combine रखना है. Right? हाँ, yes, ये point मेरे को आपको समझाना है. Reverse charge mechanism. Reverse का मतलब क्या है? जो आप tax pay कर चुके हो या जो tax आप चार्ज कर चुके हो उसे रिवर्स करना है. व्हेन वी हैव टू रिवर्स इट एंड व्हाई वी नीड टू रिवर्स. लाइक इनपुट आपने परचेसेस के टाइम पे डेबिट किया. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. एक एग्जांपल मेरे माइंड में पहले इसकी आ रही है. जब मैंने सामान को खरीदा तो एंट्री हुई होगी परचेसेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजी. मैंने विद इन द सिटी खरीदा, राइट, विद इन द स्टेट मैंने एंट्री करी. परचेसेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू कैश. आई एम अस्यूमिंग कि मैंने कैश में खरीदा. अब अगली एंट्री वो कहता है विड्रू द गुड्स फॉर पर्सनल यूज. अगली एंट्री क्या आनी है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस. ये बनता है ना. लेकिन इन परचेसेस के साथ मेरा इनपुट भी तो था, अब उसे रिवर्स कर देना है. क्योंकि जब आपने खरीदा था तो आपने इसे क्या किया था? डेबिट. और वही सामान अगर उठा के आप घर में ले गए हैं तो उस केस में आपने उसे क्या करना है? रिवर्स. दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स मैकेनिज्म. दोनों चीजें रिवर्स करोगे, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा और इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा. क्योंकि ये सामान आगे बिका ही नहीं तो इसका इनपुट भी तो खत्म करना पड़ेगा ना. दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स. अगर ये सामान मैं मार्केट में बेचती फिर तो सेल के अगेंस्ट ये एडजस्ट हो जाता आउटपुट के अगेंस्ट. बट दीज आर द थिंग्स यू टुक फॉर योर ओन पर्पस, सो आई नीड टू रिवर्स इट बैक. गेटिंग इट? क्योंकि अल्टीमेटली इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना होता है. इतना थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा. व्हाट यू पेड एंड व्हाट यू कलेक्टेड दैट यू नीड टू सेट ऑफ एट द लास्ट. बट ये तो बिका ही नहीं सामान, ये तो आप खुद ले गए.
सिमिलरली चैरिटी वाली एंट्री में भी रिवर्स होगा, क्योंकि चैरिटी आप अपने गुड्स की कर रहे हो, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस, तो उसमें भी जो इनपुट डेबिट हो चुका है आपने उसे रिवर्स करना है, क्योंकि ये भी सामान मार्केट में बिका ही नहीं, इसने सेट ऑफ होना ही नहीं, तो बेटर है इसे यहीं पे खत्म कर दो। अल्टीमेटली बात तो ये है ना खत्म करने की, अगर मैं सेट ऑफ भी करती तो भी एंट्री होती आउटपुट अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट, तो यहाँ पे भी तो इनपुट क्रेडिट ही किया है, एंड दिस व्हाट वी कॉल रिवर्स मैकेनिज्म, एंड दीज आर फ्यू केसेस वेयर यू नीड टू रिवर्स इट, और वो कौन कौन से केसेस हैं दैट वी विल डिस्कस। दो केसेस मेरे माइंड में थे जो मैंने आपको बता दिए, वन इज इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज एंड अनदर इज चैरिटी एंड डोनेशन। इवन फ्री सैंपल के केस में भी ऐसा ही होगा, व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट टू योर कस्टमर्स मार्केट में, तो उस केस में भी परचेसेस क्रेडिट होनी है, साथ में इनपुट भी क्रेडिट कर देना है। देखो जी, 7-8 लाइनें लिखी हैं पैराग्राफ में, वी विल रीड लाइन टू लाइन बिकॉज हर लाइन के ऊपर एक एमसीक्यू बनने की पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, द परचेज ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, बात परचेज की हो रही है, मैंने भी परचेज की एंट्री करवाई, मतलब जब इनपुट को रिवर्स करने की बात होगी तो डेफिनेटली वो परचेज की ही बात होगी, तो क्या लिखा उसने, द परचेज ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, रिवर्स चार्ज मीन्स जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इज पेड बाय द बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Thus, the person selling the goods and services will not charge GST, but the person buying the goods will deposit GST in the government. इसने लाइनें घुमा फिरा के क्या लिखी हैं? वैसे तो ड्यूटी सेलर की है ना, कि वो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू क्या करवाए, डिपॉजिट करवाए। अब यहाँ पे क्या है, सेलर के पास तो वो सामान गया ही नहीं, सामान किसके पास था, परचेसर के पास था, मैंने खुद खरीदा सामान आगे बेचने के लिए, लेकिन खुद सामान मैं खुद उठा के अपने घर ले गई, इट मींस कि अगर मैं उसे रिवर्स कर रही हूं तो मैं खुद अपने टैक्स को क्या कर रही हूँ, काउंटर बैलेंस कर रही हूँ। इसने कहानी ये बना दी कि वहां पे सेलर टैक्स नहीं पे करेगा, जब आपका सामान बिका ही नहीं है तो आप टैक्स कहां से पे करोगे, आपने सिर्फ उसे क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना, जितना आपने खरीदा है सामान उसमें से जितना आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है उसे सिर्फ रिवर्स कर लो। इसने कहानियां ये बना दी दैट टैक्स इज नॉट टू बी पेड बाय द सेलर, दैट टैक्स इज टू बी पेड बाय द परचेसर, और ये परचेसर तब पे कर चुका हुआ है जब इसने सामान खरीदा था अपने सेलर से। इट मींस कि यहां पे डबल वाले बात नहीं हुई, बिकॉज ही केप्ट द थिंग्स विद हिम ना, सेलर वाली तो यहां पे मतलब जो परचेसर है वो अल्टीमेटली सेलर भी बनता है ना, लेकिन इन गुड्स के लिए वो सेलर ही नहीं बना क्योंकि ये सामान उसने खुद ही यूज किया। लाइक दैट वे ही जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स, आई एम रिपीटिंग द लाइन, reverse mechanism is to be applicable in that case, or it means whereby the seller will not pay the tax, who will pay the tax, purchaser himself will pay the tax, aur jo saman wo personal purpose ke liye use kar chuka hai, jo saman usne charity ke form mein distribute kar diya hai, uske upar wo setting off nahi kar sakta against output, isliye wo unhe hi kya kar deta hai, credit kar deta hai। So the person buying the goods will deposit GST in the government account and claim it as input GST, वो इसे input GST ही बोलेगा। Reverse mechanism applies to the purchase of goods and services by registered person from unregistered person, ये underline कर लो, ये theory के लिए, what is the meaning of registered person, what is the meaning of registered person and what is the meaning of unregistered person? रजिस्टर्ड का मतलब आपने अपने फर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पेटेंट्स और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करवाया है, मींस आपने अपने बिजनेस हाउस को एक लीगल एंटिटी बनाया। तो कहता है ये जो पेमेंट होती है या सर्विसेज होती हैं बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकती है, ये वन एग्जाम्पल है। सेकेंड, जब आप लॉयर्स को पेमेंट करते हो, पेमेंट ऑफ फी टू द लॉयर्स, एक एंट्री सुनना, पेमेंट ऑफ फी टू द लॉयर, एंट्री होगी लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, क्योंकि लॉयर तो आपकी सेम स्टेट का ही होगा ना, बाहर से तो आप लीगल सर्विसेज नहीं ना लेने जाओगे, जिस स्टेट में आपने केस करना है लॉयर के केस में आउट ऑफ द स्टेट तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, हम एंट्री करेंगे लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट क्योंकि सर्विस है, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू कैश या टू बैंक, या तो आपने उसे चेक दिया होगा या आपने उसे क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, तो इस केस में भी आपका सेटिंग ऑफ होगा नहीं क्योंकि सर्विसेज आगे बिकती थोड़ी ना, आपने खुद सर्विस ली है तो आगे बेचोगे थोड़ी ना,
तो जो लीगल चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट कभी भी आउटपुट नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हैं, सिर्फ गुड्स के केस में आउटपुट होगा जो गुड्स आपने आगे बेचने के लिए खरीदी। वंस यू आर टेकिंग द सर्विसेज उसके अगेंस्ट आउटपुट नहीं होगा। इट मींस कि यहां पे भी किसने किसको टैक्स दिया, जिसने सर्विसेज ली उसने ही गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाया, क्योंकि आपने अपनी बुक्स में इनपुट लिख दिया है। यू आर गेटिंग मी, लॉयर नहीं टैक्स जमा करवा रहा, हु इज डिपॉजिटिंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, हु इज टेकिंग द सर्विसेज। ठीक है, लॉयर क्या एंट्री करेगा, चलो लॉयर की एंट्री बोलो, लॉयर क्या एंट्री करेगा, मैंने किसी लॉयर से सर्विस ली, मैंने लिख दिया लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसटीएसटी डेबिटेड टू कैश, राइट, बिकॉज इट इज अ सर्विस, तो सर्विस टैक्स इस पे लगना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगना है। लॉयर क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लीगल फी, उसने कहीं पे आउटपुट लिखा। इट मीन्स की लॉयर ने टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, मैंने करवाया बिकॉज आई टुक द सर्विस ना, तो आई एम द परचेजर ऑफ द सर्विस। तो व्हेन यू टेक द सर्विसेज फ्रॉम द लॉयर उसमें भी रिवर्स मैकेनिज्म नहीं है, राइट, उसमें रिवर्स मैकेनिज्म नहीं होगा। जो सर्विस ले रहा है वही टैक्स गवर्नमेंट को क्या करवा रहा है, जमा करवा रहा है। आगे चलते हैं, पेमेंट, यस, पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ कॉपीराइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी, यूज ऑफ कॉपीराइट, आप किसी का नाम यूज कर रहे हो और अच्छा हाँ चलो, और कॉपीराइट रिटन मटीरियल के केस में होता है, ऑथर ने कुछ राइटअप दिए, ठीक है, नॉवल आपने लिखा या बुक लिखी, आगे पब्लिशर उसके कॉपीराइट ले लेता है, मतलब प्रिंट करवाने, ठीक है, इज राइट कि यूट्यूब में भी जो वीडियोस वगैरह लॉन्च होती हैं उसमें भी कॉपीराइट होते हैं मेकर्स के, मूवीज के केस में भी होता है, कॉपीराइट्स होता है, जो भी प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया तो उसी का कॉपीराइट है, ही ओनली कैन रिलीज इट, नो अनऑथराइज पर्सन कैन यूज इट। तो व्हेन वन यू आर यूजिंग समबडीज कॉपीराइट विद दैट पर्सन परमिशन, तो उस केस में भी आप टैक्स खुद पे करोगे ना कि सेलर पे करेगा, वहां पे भी कॉपीराइट का जब आप किसी का यूज करते हो, लाइक आई एम मैन्युफैक्चरिंग बैट्स इन जलंधर एंड आई एम गेटिंग द सिग्नेचर ऑफ ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ सचिन तेंदुलकर, इन दैट केस आई एम यूजिंग हिज कॉपीराइट, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स पे करूंगी, सचिन तेंदुलकर नहीं, उसके तो रॉयल्टी मिलती रहेगी ना हर साल, रॉयल्टी विल बी द इनकम फ्रॉम फॉर सचिन तेंदुलकर। तो जब आप किसी का नाम यूज करते हो, किसी के सिग्नेचर यूज करते हो, किसी का कोई रिटर्न मटेरियल यूज करते हो, उस केस में भी टैक्स कौन पे करता है, यूजर पे करता है ना कि सेलर, राइट, सो दिस आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। हाँ, अगला भी बहुत आसान है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर मैं सामान खरीद के लेके आ रही हूं और रास्ते में मैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे कर रही हूं, सर्विस तो वहीं पे खत्म हो गई, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं होना, तो ट्रांसपोर्टेशन के भी जो चार्जेस होते हैं, या आप कैब करके आए हो कहीं से, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होंगे या फ्रेट पेड होगा, उस केस में भी सिर्फ इनपुट होगा, उसका रिवर्स नहीं होगा, मीन्स उस केस में भी सेटिंग ऑफ पॉसिबल नहीं, अदरवाइज सेटिंग ऑफ किस में पॉसिबल है, व्हेन यू बाय द गुड्स एंड सेम गुड्स यू आर सेलिंग। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आपने सर्विस ले ली, आगे सेल थोड़ी ना करी सर्विस, यू जस्ट टुक द सर्विस। सारी चीजें बहुत ही आसान है समझने को, ठीक है, रिवर्स किसमें होना है, रिवर्स किसमें पॉसिबल है, जो चीजें आप अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते उसमें आप खुद ब खुद गवर्नमेंट को टैक्स क्या करवाओगे, डिपॉजिट करवाओगे, जो सेलर है वो आपके बिहाफ के ऊपर नहीं करवाएगा, लेकिन वो गुड्स जो आपने खरीदी हैं आगे बेचने के लिए उसके ऊपर सेलर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाता है, ना कि परचेज, ठीक है, तो लॉजिक में बेस्ड है सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस कमीशन एंड स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप मैच की होती है, आईपीएल मैचेस की होती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम उसके ऊपर डिस्प्ले है, वो स्पॉन्सरशिप है, तो स्पॉन्सरशिप में कुछ कम बैक होने की पॉसिबिलिटी है, पैसा लगाना है कंपनी से, मिलना थोड़ी ना कुछ एड है, ठीक है, तो उस केस में भी रिवर्स पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स की टैक्स कौन पे करेगा, स्पॉन्सरशिप का जितना भी खर्चा हुआ है, जिसने खर्चा किया है वही क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, ना कि उसका बेनिफिशियरी पे करेगा। सो फ्यू थिंग्स यू विल लर्न विद टाइम, और उसके लिए आपको दोबारा से ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। मेन हाइलाइटिंग पॉइंट समझ लग गया, मेन हाइलाइटिंग पॉइंट क्या है, टॉपिक का मेन हाइलाइटिंग पॉइंट क्या है, द टॉपिक वी कॉल रिवर्स मैकेनिज्म, रिवर्स मैकेनिज्म, हु विल पे टैक्स इन दिस केस, परचेसर और द सर्विस टेकर, अदरवाइज सेलर इज सपोज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। समझाया था ना मैंने आपको, फिर से एग्जाम्पल बताती हूँ, वेन यू पे टैक्स इन केस ऑफ गुड्स यू कॉल इट इनपुट,
When you sell the same goods, you collect tax from your customer, you call it output. आपने उन्हीं चीजों के ऊपर टैक्स पे किया 1000, उन्हीं चीजों के ऊपर आपने टैक्स कलेक्ट किया 1200, मिला के दोनों CGST और SGST मिला के क्या ड्यूटी बनती है आपकी? इन चीजों के ऊपर 1000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, जो आप पे कर चुके हो वो तो आपके सेलर ने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया होगा। अब आप गवर्नमेंट को कितना जमा करवाओगे? ओनली डिफरेंस 200, बिकॉज सेम गुड्स के ऊपर 1000 ऑलरेडी पे हो चुका है। जब आपने सामान खरीदा था, जिससे खरीदा था वो डिपॉजिट करवा चुका होगा ना, क्योंकि उस टाइम पे आप परचेजर थे, अगला बंदा तो सेलर था, एंड द गुड्स आर सेम। सो इट इज गोइंग टू हैपन ओनली इन दैट केस वेयर बाय यू आर परचेसिंग द गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। But once you are using the goods for your own consumption, in that case, this will not be possible. You yourself, whatever you are paying, that is being deposited to the government. वहाँ पे ये reverse mechanism possible नहीं है। आगे slab rates मैंने कल ही पढ़वा दिए थे। Slab rates याद है? Zero है, ten है? नहीं, ten नहीं है। Zero है, five है, 12 है, 18 है, and 28. ठीक है? अब कुछ services और कुछ goods जिनके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं, एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, और 8 कैटेगरीज है। स्कूल की फी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। कभी फी में आपने जब स्लिप मिली आपको, आपने कभी कॉलम देखा एड जीएसटी? ये तो बात याद रहेगी, मैंने 8वां पॉइंट पहले बताया। एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगना, एग्जम्प्टेड है। रिवर्स से चलते हैं, हेल्थ सर्विसेज, कभी कोई मेडिसिन डॉक्टर से, हेल्थ सर्विसेज का मतलब डॉक्टर से कंसल्टेंसी, मेडिसिन पे लगता है क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल में आनी है, माइंड इट। हेल्थ सर्विसेज का मतलब क्या है? यू गो टू द डॉक्टर, यू गेट द कंसल्टेशन, यू पे हिम द फी, रिसेप्शन के ऊपर आपको कंसल्टेशन फी की रिसीट मिल जाती है। क्या कभी उसके ऊपर जीएसटी आपने देखा? उस रसीद में जीएसटी देखा? नो, दिस इज व्हाट वी कॉल हेल्थ सर्विसेज। तो इट शुड बी एग्जेम्प्टेड ना, आपको भी लगता है ना ये एसेंशियल सर्विसेज है, और एजुकेशन महंगी थोड़ी ना मनानी अपनी कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया कि एजुकेशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्प्टेड का मतलब माफ है ये चीजें, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगना, राइट? सो हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर्स एज कंसल्टेंसी लिखा है, नॉट फॉर मेडिसिंस, क्योंकि मेडिसिंस आर बीइंग कवर्ड अंडर फार्मेसी, वो फार्मास्यूटिकल में आनी है, और वो केमिस्ट की शॉप अलग से रन करते हैं, तो वो गुड्स में आती हैं, उनके ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट। अभी मैंने बोला सचिन तेंदुलकर के मैंने साइन लिए, यहाँ किसी प्रोडक्ट की एड में अमिताभ बच्चन आ रहा है, एड एक बार बनी है, और अमिताभ बच्चन को जितनी देर तक वो एड टेलीकास्ट होती रहेगी एनुअल रॉयल्टी मिलती रहेगी। सो दे आर गेटिंग द रॉयल्टी, उन रॉयल्टीज के ऊपर जिनको भी रॉयल्टी मिल रही है सेलिब्रिटीज को, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है? कॉपीराइट अगर आप किसी का यूज कर रहे हो, किसी के सिग्नेचर यूज कर रहे हो, और बदले में आप उसे रॉयल्टी दे रहे हो, हूएवर इज गेटिंग द रॉयल्टी, उस पर जीएसटी नहीं लगना, राइट? आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी पे सर्विस टैक्स अलग से लगता है या सेस लगता है कोई? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कभी देख लेना, जीएसटी नहीं होगा उसमें, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के बिल पे भी नहीं, ठीक है? जीएसटी नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप कोई सर्विस देते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगना, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बींग, वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वेलबींग ऑफ द यू कैन से ह्यूमन। तो इसलिए जो भी सर्विस हम यूएनओ को प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी आपको पता होगा, हर कंट्री में दूसरी कंट्री के एम्बेसीज होते हैं और उनका ऑफिस होता है। इंडिया में पाकिस्तान का एम्बेसी है और पाकिस्तान में इंडिया का एम्बेसी है। जब वो बंदे को छुड़वा के लेके आना था, क्या नाम था उसका जो बॉर्डर पे, हाँ वट वॉज, हाँ अभिनंदन, ठीक है? तो एम्बेसीज की आपस में बात हुई थी ना, मतलब आपकी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव दूसरे नेशन में रहता है और उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव आपके देश में रहता है। तो यहाँ पे एम्बेसीज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्री, अगर मेरी कंट्री में अमेरिका का कोई एम्बेसी है और उसकी ऑफिस को मैं कोई गुड सप्लाई कर रही हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना। ये हमारी रेपुटेशन की बात है ना, हम उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए बढ़ा चढ़ा के उन्हें चीजें थोड़ी ना बेचेंगे, जो हमारी अपनी कॉस्ट है उस पर ही उन्हें चीजें सप्लाई करें। दैट इज अ प्रिविलेज बीइंग गिवन टू द गेस्ट ऑफ आवर नेशन, ठीक है? वी आर होस्ट फॉर देम, हम उनके लिए होस्ट है, वो हमारी कंट्री में गेस्ट है, दे आर रनिंग देयर ऑफिस इन आवर नेशन, सिमिलरली वी आर रनिंग आवर ऑफिस इन देयर नेशन, राइट? तो वहां पे भी हो सकता है उन्होंने भी ऐसा प्रोविजन हमें दिया हो, तो एम्बेसीज को भी जो सामान और सर्विस सप्लाई होगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट का तो राइट वैसे ही बनता है।
ठीक है, अब रेल कोच फैक्ट्री है, गवर्नमेंट को क्या कर रही है, कंपार्टमेंट और कोचेस बना के रेलवे को सप्लाई कर रही है, जीएसटी थोड़ी ना लगे। ठीक है, कोई भी आपकी कंट्री की कंपनी है, गवर्नमेंट को कुछ भी सप्लाई करेगी, गवर्नमेंट को कुछ भी सामान सप्लाई होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगे। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, पार्लियामेंट हाउस के लिए फर्नीचर जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है, उस केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सो एनीथिंग विच वी सप्लाई टू द गवर्नमेंट वी नेवर पे टैक्स, वी नेवर इंक्लूड जीएसटी ओवर दैट। फर्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अब ध्यान से सुनना, इसका बड़ा अच्छा लॉजिक है। मींस मेरी सैलरी पे जीएसटी नहीं लगना, क्यों? क्योंकि मेरे को जब सैलरी मिलती है ना, टैक्स पहले से काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया जाता है, तो मेरे को जो सैलरी मिलेगी, व्हेन आई विल गेट दैट सैलरी इन माय हैंड, दैट इज माय नेट सैलरी। क्योंकि हमारे इंडिया में एक रूल है, हूसोएवर इज मेकिंग द पेमेंट टू अदर पर्सन, पेयर की ड्यूटी है कि उसके ऊपर टीडीएस काटे। टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दो दो बार टैक्स थोड़ा ना काटेंगे। मेरे स्कूल की मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि मेरी सैलरी में, हर महीने की सैलरी में से टैक्स काट के गवर्नमेंट को तीन तीन महीने के बाद जमा करवा। TDS, TDS का मतलब है tax deducted at source. Once I am getting the salary in net, means after the deduction of tax, तो क्या उस सैलरी के ऊपर मैं दोबारा टैक्स दूंगी? नो, माय CA knows, and school वाले मेरे को एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं 16A का, जिसमें सारी डिटेल है कि आपकी सैलरी में से इतना टैक्स कट गया। When I will file the return, my CA will see all that record and he will not pay paying the tax on my salary. लेकिन हाँ, अगर मेरी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, like my deposits are lying in the bank and I do have the FDs, और उनके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, और वहां पे भी बैंक की ड्यूटी है कि मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से पहले उसके ऊपर टैक्स काटे, क्योंकि वहां पे बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम, एंड बैंक इज अ पेयर। सिमिलरली व्हेन यू विन फ्रॉम एनी शो ऑन द टीवी, केबीसी सुना होगा, केबीसी में जो भी प्राइस मनी मिलती है टैक्स काट के मिलती है, ठीक है, और उसके ऊपर 40% टैक्स की डिडक्शन है। अगर किसी ने 1 करोड़ जीता है तो 40% तो गवर्नमेंट को जमा हो जाना है, 40 लाख 60 लाख मिलना विनर, दिस इज द हाईएस्ट स्लैब ऑन प्राइस मनी, राइट? सो सेम इज द केस हियर, अगर आपकी सैलरी के ऊपर आपके एम्प्लॉयर ने पहले से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, तो दोबारा थोड़ा मैं उसके ऊपर पे करूंगी। और वेजेस वैसे ही मैनुअल वर्क के लिए होती हैं, वेजेस होती हैं बहुत कम है, और वेजेस के केस में भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, अगर ज्यादा भी है वेजेस तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसके ऊपर टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाए। एंड वेन एवर वी आर गेटिंग द वेजेस, वी आर गेटिंग द सैलरीज मंथली, उसमें से टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, तो हम दोबारा थोड़ी ना पे करेंगे। So that why, in that way, it is exempted from tax, GST, क्योंकि उसके ऊपर इनकम टैक्स कट गया ना। एक चीज के ऊपर दो तरह के टैक्स नहीं ना लगने। Who deposit that tax on my behalf? My school authorities. हर employer की duty है। इंडिया में रूल बना दिया गया। Just imagine कि organization में अगर 150 बंदा है और 150 की सैलरी एक employer काट के दे रहा है, तो गवर्नमेंट की moderation कम है ना। कहीं पे 150 अलग अलग बंदों से टैक्स लेना था, और कहीं पे उन सबके बिहाफ के ऊपर उनका एम्प्लॉयर ही टैक्स की पेमेंट कर रहा है। अब टाटा में 50,000 बंदे काम कर रहे हैं, तो टाटा कंपनी उन 50,000 के 50,000 बंदों का टैक्स खुद काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएगी, तो गवर्नमेंट की पोजीशन कम है, उन 50,000 बंदों के बिहाफ के ऊपर उनका एम्प्लॉयर टैक्स जमा करवा रहा है। ठीक है, सो टीडीएस का प्रोविजन अच्छा बनाया गया कंट्री में, बट वंस यू हैव पे द टैक्स ऑन दैट वेरी इनकम, देन अगेन यू विल नॉट पे द टैक्स। That's why we call wages and salaries are exempted from tax. हर पॉइंट का मैंने लॉजिक बता दिया, उसने कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया, ही जस्ट सेड कि आप इसे क्रैम कर लो, लेकिन द लॉजिक शुड बी क्लियर इन टू योर माइंड। कोई बताओगे, गिनवाओगे कुछ क्या क्या किया? सबसे पहला, सेकेंड क्या है? सीक्वेंस वाइज बोलो। नहीं, गवर्नमेंट को सर्विस है, प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द गवर्नमेंट या सप्लाइंग द गुड्स टू द गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। देन थर्ड वी है, यस, एम्बेसी, दूसरी कंट्रीज के एम्बेसी अगर आपके देश में है और होते ही हैं, उनको कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ सब्सिडी टू यूएनओ, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे नहीं लगता, उसके ऊपर अलग सेस लगता है। रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट पे नहीं लगता, हूसोएवर इज रिसीविंग द रॉयल्टी। इसी तरह से हेल्थ सर्विसेज पे नहीं लगता, गवर्नमेंट से अगर आप डॉक्टर से अगर आप अपना डायग्नोस करवा रहे हो और उसे कंसल्टेंसी फीस दे रहे हो, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल ऑल रिमेम्बर आई थिंक, दैट इज एजुकेशनल सर्विसेज, क्योंकि कभी भी आपकी फीस की रसीद के ऊपर जीएसटी का कॉलम नहीं,
राइट, और ना ही कभी होगा गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड इट फ्रॉम जीएसटी. गॉट इट? तो ठीक, सारे लॉजिक बेस्ड ही बनाए ना उसने पॉइंट, ये सारी चीजों को छूट मिलनी चाहिए थी ना जीएसटी से, और मिली. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे, और आज तक जितना हुआ है वही टेस्ट में पूछा जाएगा. राइट?